पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में जबरदस्त दंगे फसाद मच हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ के युवक चाहते हैं कि हर प्रकार का आरक्षण जो है हटा दिया जाए। सरकार जो है 30% आरक्षण दे रही है उन लोगों के बच्चों को जो 1971 के फ्रीडम फाइटर्स से नाता रखते थे। वो कहते हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, काफ़ी साल हो गए इसको आरक्षण को दिए हुए, अभी हर प्रकार से आरक्षण को हटा दिया जाए। 105 युवक मारे जा चुके हैं, 47 डिस्ट्रिक्ट में दंगा फसाद मच रहा है, सारे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। इस दंगे फसाद के पीछे ऐसी ताकतें हैं जो हर प्रकार से शेख हसीना की सरकार को गिराना चाहते हैं। वो देशद्रोही हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये सरकार जो प्रो इंडिया है इसको हटा दिया जाए। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन बांग्लादेश का ये जो संकट है और जो छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं वो पूरा परसेंटेज हमने आपको बता दिया, वो 30% वाला, उसी को लेकर ये विरोध की लहर, ये आग जो है वो दरअसल लगी हुई है, उबाल मार रहा है कोटा सिस्टम। आप आपको बताते हैं कि मांग क्या कर रखे हैं ये जो छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। मांग नंबर एक की अगर बात करें तो पहली मांग, आरक्षण 56% से घटाकर कितना कर दिया जाए, 10% कर दिया जाए। ये पहली बड़ी और अहम मांग इन छात्रों की है। अब मांग नंबर दो की अगर बात करूं तो जो योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो मेरिट से भर्ती होनी चाहिए, इसीलिए ये सड़कों पर उतरे हुए हैं कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब मांग नंबर तीन की अगर बात की जाए तो तीसरी मांग इनकी क्या है कि सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षा होनी चाहिए, ये मांग नंबर तीन है। चौथी मांग क्या है, अहम मांग है कि सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र एक समान होनी चाहिए। पांचवी और अंतिम और बड़ी मांग जो है वो ये कि एक बार से ज्यादा आरक्षण का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये पांच अहम और जो बड़ी मांगे हैं वो दरअसल वो छात्रों की है जो छात्र इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कितना क्रेज है सरकारी जो नौकरियां हैं उनको लेकर। अब सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से ही हम आपको कुछ और जानकारी यहां पर देते हैं कि किस तरह का क्रेज जो है बांग्लादेश में वो सरकारी नौकरी को लेकर है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी रोजगार का एक बड़ा जरिया है। भारत की ही तरह बांग्लादेश में सरकारी नौकरी का क्रेज देखने को मिलता है क्योंकि कई सारी सुविधाएं, कई सारी और बातें उसमें हैं। हर साल 4 लाख से ज्यादा छात्र कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं वो देते हैं। 3000 छात्र बांग्लादेश सर्विस कमीशन के लिए बैठते हैं और कुछ वर्षों से कोटा ना मिलने की वजह से योग्यता का बोलबाला था। तो जब कोटा नहीं था तो योग्यता देखी जाती थी वहां पर, लेकिन अब छात्रों को डर है कि आधी से ज्यादा सीटें तो कोटा वाले खा जाएंगे, फिर ऐसे में जो योग्यता वाले हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि बीच में जो ये है इसे बंद कर दिया गया था, इसे खत्म कर दिया गया था। फिर वो आप ये कहिए कि एक समझौतावादी जो दृष्टिकोण था शेख हसीना का, उस समझौतावादी दृष्टिकोण से उसे खत्म कर दिया गया था। खैर, लेकिन अब ये छात्र सभी छात्रों के लिए एक समान अधिकार की मांग कर रहे हैं। वो पांच बड़ी मांगे हमने आपको अभी बताई थी। बांग्लादेश के इन प्रदर्शनकारी छात्रों के मुताबिक स्वतंत्रता सेनानियों के जो पोते पोती हैं उनको आरक्षण देने का कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहे हैं वो किस चीज बात के हकदार हैं, किस लिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में कोटा नहीं, मेरिट की जरूरत होनी चाहिए, वो ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने उनका जो योगदान है वो ठीक है, लेकिन उनके पोते पोतियों को क्यों उनका जो बाकी सुविधाएं हैं या कोटा है वो दिया जा रहा है। संजय सोई क्या कुछ कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, ये भी आपको सुन रहा है। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत में कड़ी चिंता है क्योंकि बांग्लादेश एक भारत का अभिन्न मित्र है। शेख हसीना और उनकी पार्टी के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, सरकार के साथ कई करार हुए हैं और जो वहाँ पर जो हालात है नेचुरली इसका फर्क भारत के संबंधों पर पड़ सकता है। भारत इसके ऊपर पूरी तरह से निगाह रखे हुए हैं। तीन चार बातें आती हैं कि अगर वहाँ पर अनरेस्ट और बढ़ जाता है, सरकार को खतरा होता है तो भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशन होंगे। वाकई में एक बहुत सोचने वाली बात होगी क्योंकि एक हार्ड लाइनर ग्रुप सामने आ जाएगा और जो भारत और बांग्लादेश की दोस्ती है उसमें खटास डालने वाले काफ़ी इंटरेस्टेड लोग हैं जो भारत के खिलाफ हैं। दूसरी बात यह कि एक तरफ से और एक मोर्चा भारत के खिलाफ खोलने के लिए तैयारी हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यहां पर यह भी है कि जब 1972 में यह आरक्षण दिया गया तो फिर अब आंदोलन क्यों किया जा रहा है,
1972 से जारी था यह कोटा सिस्टम, जिसे तब 2018 में आकर खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश की जो हसीना सरकार है, शेख हसीना सरकार है, उसी ने इसे समाप्त कर दिया था। और पिछले महीने जो ढाका हाईकोर्ट है उसने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण फिर बहाल कर दिया। कोर्ट ने आरक्षण को खत्म करना भी गैर कानूनी बताया था। उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ये कानूनन जुर्म है, ये गैर कानूनी है। कोर्ट के आदेश के बाद बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन उसके बाद शुरू हो गए। अब शेख हसीना सरकार ने क्या किया कि हाईकोर्ट, जो ढाका हाईकोर्ट का ये फैसला था, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने, जो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट है, उसने ढाका हाईकोर्ट का जो आदेश है उसे निलंबित कर दिया। अब बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की है, यानी कि अब अगले महीने की तारीख तय की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बात होती है। लेकिन मामले में पीएम शेख हसीना की अगर बात करें तो उनके बाद जो उनका बयान आया, उस बयान के बाद तूल पकड़ लिया। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों की मांगे मानने से इनकार कर दिया। हालांकि ये कहा था कि ठीक है बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने इनकार कर दिया। तो उन्होंने मांगे मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, तो फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा भी कैसे? रजाकार उन्होंने कह दिया। बांग्लादेश सरकार के फैसले से छात्रों ने विरोध अपना तेज कर दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह दिया। बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में विश्वासघात करने के आरोप लगे थे, यानी कि पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। लेकिन रजाकार जैसी जहां तक बात है तो उसके बाद वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता है, अब नहीं हो सकता है। तो ये मामला, अब देखिए, जब पहली बार जब इसे खत्म किया गया था, और शेख हसीना की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा एक समझौतावादी जो दृष्टिकोण है वो नजर आया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नजर नहीं आया, बल्कि इस बार वो ज्यादा सख्त नजर आई। और सख्ती कितनी कि रजाकार तक अगर वो कह देती है तो फिर आप समझ जाइए, अब कोर्ट में कोटा जब केस है तो फिर आखिर यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है, यह भी सवाल यहां उठ रहा है। आरक्षित नौकरियों के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन जो है वो दरअसल हो रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के कोटे के विरुद्ध वो कह रहे हैं कि भैया ठीक है उन्होंने किया, लेकिन अब उनके पोते पोती नाते नातिन उनको किस बात का? प्रदर्शनकारियों की मांग ये है कि व्यवस्था जो है वो इस तरह की व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए, बल्कि उनका तो ये कहना है कि 56% से बिल्कुल गिराकर इसको 10% ही कर देना चाहिए। कोटा सिस्टम भेदभावपूर्ण है ये प्रदर्शनकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। आवामी लीग समर्थकों के फायदे के लिए है ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर आप करिए, योग्यता के आधार पर आप करिए, और क्यों बार बार ऐसा किया जा रहा है? एक बार दे दिया ठीक है, अब उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आइए आप इस पर क्या कह रहे हैं विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव, ये भी आपको सुनवाते हैं। भारत सरकार को बस केवल एक ही काम करनी है कि हमारा बॉर्डर सिक्योर रहे, कि वहां से रिफ्यूजीज के नाम पे कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी वो भारत की तरफ आने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब बांग्लादेश के अंदर उथल पुथल होगी, बहुत लोग हैं हो सकता है जो भागना चाहेंगे वायलेंस से, या मौका मिल जाएगा तो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर प्रेशर आएगा, तो हमारे बॉर्डर्स को अच्छे से सील होना चाहिए। ये जो मामला है बांग्लादेश में, ये 71 वॉर जैसा नहीं, ये मामला होने जा रहा है, बढ़ता दिखता है मुझे, जैसे ईरान का रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में, जो शाह ईरान के तख्ता पलट दिया था आयतुल्लाह खोमेनी ने,